हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और होप करता हूँ सब फैंटास्टिक होगा, धमालास्टिक भी। तो क्या हाल चाल आप लोगों के? तो यार आज हम बात करने वाले हैं यार कैमरा वर्सेस परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो यार, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट यार मैं सच बताऊँ ये कॉमन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक रेगुलर लाइफ में। देखो यार, अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाओगे, शायद से आपका पर्सपेक्टिव सबसे पहला कैमरा रहेगा, या शायद से अगर मैं खरीदने जाऊं तो मेरा सबसे पहला मतलब सबसे पहला गोल होगा परफॉर्मेंस, और आपका शायद से गोल होगा कैमरा। तो यार इन्हीं दोनों को आज कंपेयर करेंगे, मतलब देखेंगे यार कि कौन सा एकदम मतलब क्या आपको सच में क्या आपको सोच कर जाना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो स्मार्टफोन या ऑफलाइन खरीद रहे हो, तो क्या आपको सबसे पहला मतलब इम्पोर्टेंस होता है ना, मीन सबसे ऊपर आपको क्या रखना है परफॉर्मेंस के ऊपर, परफॉर्मेंस को या कैमरा को। तो और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन ठोक देना भाई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं यार कैमरा पे, क्या क्यों आपको कैमरा चूज करना चाहिए सबसे अपनी पहली प्रायोरिटीज, मतलब सबसे पहला आपको अपना मतलब सोच रहे हो ना पॉइंट रखना है एक स्मार्टफोन खरीदने के टाइम। देखो अगर आप कैमरा रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मतलब मजे मजे होंगे। सबसे पहली बात, पिक्चर्स अच्छी खिंचाएंगे। और यार देखो मेन बात ये है ना, अभी अगर कहीं भी गए तो पिक्चर्स तो क्लिक होंगी होंगी, ये तो आपको भी पता है। और यार उस टाइम में यार अगर आपके फ़ोन से अच्छी पिक्चर्स खिंचाएंगे तो आपको पता ही है यार, वहाँ उस टाइम में अपना स्वैग लेवल ऊपर ही चल जाता है अपना, तो मैं तुम सबको पता ही होगा यार। और यार अगर आप कैमरा अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी रखते हो यार, तो यार उसमें एक और भी एडिशनल फ़ायदा है, क्योंकि देखो आपको पता है डेट मतलब जब जब जितना आप स्मार्टफोन यूज़ करोगे, जितना मतलब जितना भी जितना टाइम हो जितना फ़ोन यूज़ होगा यार, उतना उसका कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घटने लगता है। बट यार अगर आपका कैमरा परफॉर्मेंस पहली टॉप नॉच होगा, तो आई थिंक यार जब भी जब डाउनग्रेड होना शुरू होगा तब भी आपको उतना बड़ा इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आपको कैमरा वाइज मतलब उस टाइम आपका कैमरा इतना अच्छा था तो 20% डिग्रेड हुआ या 30% तब भी आपको काफ़ी अच्छा पिक्चर्स खींच के दे रहा है, मीन्स एक तरह से वैल्यू फॉर मनी। तो अब आते हैं यार हम परफॉर्मेंस पे, कि क्यों आपको परफॉर्मेंस चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ कैमरा। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप परफॉर्मेंस चूज करोगे तो आपको परफॉर्मेंस ही मिलेगा, चाहे बात अब आजकल देखो आजकल के सबके स्मार्टफोन में यार कोई ना कोई गेम होता ही है, चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो या पबजी, तो अभी बैन हो गया है। तो यार उस टाइम में यार परफॉर्मेंस का बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। आपने देखा होगा यार बहुत सारे स्मार्टफोन्स यार वीडियोस रिकॉर्ड करते करते फोन गर्म हो जाते हैं, मीन आप देखोगे कि यू मतलब जो उनका इंटरफेस होता है, जो उनका यूआई होता है, उनमें भी वो लैग करने लगते हैं। मतलब जितना टाइम आप यूज करते रहोगे फोन की परफॉर्मेंस भी घटती है। तो अगर आप एक हायर परफॉर्मेंस वाला यार कोई प्रोसेसर वाला कोई स्मार्टफोन लोगे, तो यार वो लंबे टाइम तक आपको सपोर्ट दिखाएगा, और शायद से आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट का एक्सपीरियंस है यार वो भी काफी क्रेजी रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोसेसर पे बेस्ड हो जो अभी के भी हिसाब से लेटेस्ट है, और उसमें भी अभी के कुछ एंड्रॉयड वर्जन या कुछ कुछ एंड्रॉयड ऐप्स चल पाएंगे, जिससे आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो होगा वो क्रेजी होगा। अब देखो यार आपको ये तो मानना पड़ेगा कि कैमरा यार परफॉर्मेंस पे भी बहुत मतलब रहता है। अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तो यार शायद से आपका कैमरा परफॉर्मेंस शायद से आगे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि आप मतलब बात करूँ मैं सॉफ्टवेयर की, देखो हार्डवेयर वाइज तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, बट सॉफ्टवेयर वाइज अगर मैं बोलूँ तो अगर हायर प्रोसेसर होगा तो सॉफ्टवेयर से यार काफ़ी हद तक कैमरा को इम्प्रूव किया जा सकता है। और यार बहुत बड़े बड़े मतलब एग्जाम्पल्स है, गूगल पिक्सल है, चाहे वो एप्पल है, वो अपने सॉफ्टवेयर के लिए माने जाते हैं यार, और उनका हार्डवेयर ही ऐसा होता है जिसमें वो और भी अपडेट्स पुश अप कर सकते हैं और उस कैमरे को और भी ऊपर पहुंचा सकते हैं। और अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन लोगे जिसमें प्रोसेसर मिनिमम होगा, तो यार आपको जब भी जितना आप आगे जाते रहोगे हाँ आपको कैमरा परफॉर्मेंस तो अच्छा लगेगा, बट शायद से आप रिकॉर्ड कर रहे हो तब आपको लैग फील हो, या कभी कभी होता है कि फाइल्स ढंग से कैप्चर ना हो, लाइक अगर आप 4K वीडियोस कैप्चर करो अपने स्मार्टफोन में और आपका मतलब काफ़ी पुराना हो गया आपका फ़ोन, तो शायद से वो करप्ट भी हो सकता है। बहुत सारे इशू होते हैं यार, और ये इशू तभी होता है जब आप एक लो एंड फोन लेते हो और उसमें
लिटरली 4K ऐसा काम, मतलब 4K वीडियोस और ऐसे काम करते हो, और डे टू डे तो आपको मैंने बताया यार डिग्रेड होता है, लाइफ स्पैन कम होते रहता है, तो उसकी वजह से यार काफी पेनल्टी भरनी पड़ती है। तो एट द कंक्लूजन हर्ष भाई तू बता, बोलना क्या चाहता है तो? क्या हम कैमरा ले या क्या हम परफॉर्मेंस ले? देखो यार दोनों बुरे नहीं है, दोनों अच्छे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस को देखते रहोगे तो कैमरा वाइज बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। देखो सॉफ्टवेयर वाइज मैंने आपको बहुत तारीफें कर दी सॉफ्टवेयर वाइज पर, बट तब भी यार अगर आप हार्डवेयर अच्छा लोगे तो सॉफ्टवेयर यार थोड़ा कम काम भी करेगा तब भी चलता है, क्योंकि हार्डवेयर बहुत तगड़ा है, ये भी आप माना करो। क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर से मैं मानता हूँ बहुत इंप्रूवमेंट है, बट अगर हार्डवेयर ही उतना अच्छा ना हो तो सॉफ्टवेयर कितना ही कुछ कर लेगा यार, ये एक पॉइंट है। तो एट द एंड में ये बोलना चाहूंगा यार दोनों को मिनिमम वे में दोनों को 50-50 लेकर चलो कि भाई कैमरा भी हमें नॉर्मल, मतलब कैमरा भी हमें डिसेंट चाहिए, प्रोसेसर भी डिसेंट चाहिए, जिससे यार आपको एट द टाइम लॉन्ग रन में यार आपका स्मार्टफोन काफी क्रेजी आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने जो 11-15 हज़ार 16,000 30,000 40,000 हमने जो पे किया यार फोन के लिए वो वर्थ इट नहीं था। तो यार मैं आपको अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको कैमरा थोड़ा पसंद है तो आप डिसेंट प्रोसेसर लो, मीन्स ऐसा के प्रोसेसर लो जो आगे भी और अभी भी किस काम आराम से संभाल सकता है। ऐसा मत हो कि भाई कहाँ भाई किस प्रोसेसर के लाइन पे आपको मतलब फेंक दिया गया, भाई मतलब कौन सा ही प्रोसेसर आपको दिया जा रहा है और कैमरा 64 बोला जा रहा है। नहीं यार प्रोसेसर लेना डिसेंट और अगर आप और कैमरा लेना अच्छा, अगर आपका कैमरा सबसे पहली प्रायोरिटी है। और अगर मैं अपनी बारी बात करूं तो मुझे उतना कैमरे की जरूरत नहीं है यार, नॉर्मल कैमरा अच्छा चलेगा, मुझे चाहिए परफॉर्मेंस। तो यार मैं देखूंगा कि थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज़्यादा हो बट कैमरा बेकार ना हो, मतलब घटिया ना हो, मतलब समझ रहे हो ना। तो यार यही इनमें कुछ भी गलती था तो कमेंट सेक्शन में बताने यार, गलती से मिस्टेक वाला लाइफ है अभी तो कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और मिलता हूँ यार अगली वीडियो में। और अगली वीडियो भी बहुत ही क्रेजी होने वाली है, मतलब लिटरली मैंने शूट कर लिया उसको, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मैं पहली बता रहा हूँ। तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शायद से अब वो मतलब समझ लो ना मज़ा into 100 कर देगा वो, तो यार कर देना सब्सक्राइब। तो यार मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही।